मना रहे हैं आज आलू के पराठे। मेरी मम्मी बनाएंगी, मतलब क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे बनाती है। और मम्मी का सीक्रेट ये है कि आलू जो है वो उसकी सब्जी बनाती है पहले। जैसे आपने हर जगह खाया होगा तो वो आलू को ऐसी मैश करके, तो मसाले ऐसे डाल के पराठे बना देते हैं, बट हाँ कच्चा मसाला डाल के हम बना देते हैं। बट मम्मी क्या करती है, पहले आलू की सब्जी बनाती है फिर वो पराठे बनाती है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ नहीं, 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आलू लिया है। ऑलमोस्ट आधा किलो आलू है ये, उसको बॉईल करके रख लिया पहले से। यहाँ पास हरा धनिया है, ये नीम है, नीम मीठी नीम या करी पत्ता आप बोलते हैं, और ये थोड़ा सा प्याज है, हरी मिर्च है, शक्कर है थोड़ी सी, और सौंफ है, हींग है, ये अमचूर पाउडर है, और थोड़े घर के मसाले जो हैं, घी है थोड़ा, और तेल जो भी आप यूज करते हो। पहले मम्मी जो है तेल डाल रही है इसमें, तेल जितना भी आप लोग खाते हैं, जो भी तेल खाते हो कढ़ाई में, तो ऑब्वियसली आप जो भी तेल खाते हो, मीठा तेल या सरसों का तेल, जो भी तेल खाते हो वो डाल के, एज यूजुअल सरसों का तेल है तो इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे हम गर्म करते हो कि इसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो गैस तेल गर्म हो गया है, और इसमें हमने थोड़े से डाल दी है मस्टर्ड सीड्स यानी राई, और गैस कम पे है। अब इसमें मम्मी डाल रही है सौंफ, ऑलमोस्ट 1 बड़ा चम्मच, डाल रही है मम्मी हरी मिर्च, ये हरी मिर्च डाल रही है। हरी मिर्च आप एडजस्ट कर लेना जितना तीखा खाना। आधा चम्मच से कर ठीक है। मम्मी जो है साइड में कमेंट्री कर करके बता रही है मुझे क्या डालना है। अब इसमें जो है आलू हमने मैश करके रख लिए। अब आलू को जोड़ा हमने पूरा मैश नहीं किया क्योंकि बाद में इसके अंदर भी मैश कर लिए, तो जो है ये जो मैश आलू है बॉइल्ड, इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया। इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि मसाला अच्छे से आलू में लग जाए। और गैस थोड़ा सा काला नमक भी डालेगा इसमें, काला नमक से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मम्मी कह रही कि हम काला नमक डालेंगे इसमें। थोड़ा सा जो है हम प्लेन नमक डालेंगे, जो अपने घर में टेबल सॉल्ट होता है वो, और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। तो बेसिकली दो नमक मिक्स करके डाल रहे हैं इससे, ये मम्मी की रेसिपी है, तो इससे कुछ टेस्ट बढ़िया आता है। और जो अमचूर पाउडर भी डालेंगे इसमें अब साथ में,
ऑलमोस्ट एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया इसमें। अब सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। हाँ अब इसमें जो है मम्मी शक्कर डालती हैं, बट वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो एक चम्मच करी मम्मी ने जो है शक्कर डाल दी इसमें। तो खट्टा मीठा टेस्ट आता है। थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है, मतलब ज्यादा तीखा भी नहीं रखता, तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। हाँ क्यों अपने हिसाब से अच्छा नहीं लगता वो। नहीं लगता? अच्छे से आलू को मैश मिक्स कर लेंगे, सब कुछ जो डाला है हमने। तो अब ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको जो हम मैश कर देंगे इसके अंदर जो बचा हुआ है। गैस बंद कर दो। गैस बंद है, आप भी बंद कर दे, नहीं तो आप हाथ जला लोगे। अब ये मैश हो गया, इसमें अब जो हमने हरा धनिया काट के रखा था वो डाल देंगे। अब ये मसाला यूज होगा आलू के पराठे बनाने में मेन, इससे ही मेन टेस्ट आता है, बाकी पराठे तो सब सेम ही बनाते हैं, मेन टेस्ट इस मसाले का ही है। तो अब हम करने जा रहे हैं आलू के पराठे की स्टफिंग एंड। हाँ आटे को जो है पहले से सुन के रखा था, सॉफ्ट हो जाता है वो थोड़ा, और हमारा तवा ऑलरेडी गर्म हो रहा है। बनने से मसाला बनाने का ठीक है, ये मम्मी इस स्टाइल से थोड़ा जो है मसाला भरने के लिए इसको थोड़ा ऐसे करती है जैसे कचौड़ी भी जैसे बनाते हैं। कचौड़ी बनती है वैसे। हाँ अब इसके अंदर हम जो है हमने जो आलू का स्टफिंग बनाया था कुछ ज्यादा भी नहीं बनना, नहीं ज्यादा भी नहीं भरना है, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा बेलते टाइम। इसे दबाने से मसाला सामने फैल जाता है। ऐसे दबा, मम्मी कह रही है ऐसे इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे तो मसाला जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पराठे में। अब ये बेलने की तो यही प्रोसेस है। अब ये बेल गया है, इसको डाल देंगे हम तवे पे और फ्लेम को कर देंगे हाई लो मीडियम। ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है दोनों तरफ से सेक पलट लेना, इसको पलट दिया। हाँ और मम्मी कह रही कि इसको घी में सेको तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब जो है दोनों तरफ घी लगा देंगे और हम इसको लो फ्लेम पे सेक लेंगे। और ये पराठे दबाने का एक ये आता है, इससे जो है इसको दबा देंगे, थोड़ा सही से पक जाता है। हाँ और ये पराठा हमारा डन है,